तो गाइस जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो के अंदर ही आपको बताया था कि Redmi अपने दो स्मार्टफोन लेकर आने वाली है बहुत ही जल्द, वह है Redmi का K30 Pro और Redmi K30 Pro Zoom, और दोनों ही के पूरी स्पेसिफिकेशंस मैंने बताई थी। लेकिन गाइस अब कुछ और नई न्यूज़ निकल कर आ रही है, बहुत ऐसी लीक्स निकल कर आ रही हैं जो कि शायद आपको खुश कर देंगी अगर आप एक Redmi यूजर हो या फिर Redmi फैन हो। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हो और जानना चाहते हो Redmi K30 Pro और Redmi K30 Pro Zoom के कुछ नए लेटेस्ट और इन्फॉर्मेशन के बारे में, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। हे गाइस, मेरा नाम है सियोम और आप देख रहे हो टेक हेल्पर सियोम YouTube चैनल। वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियोस हम लेकर आते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया, Redmi K30 Pro और Redmi K30 Pro Zoom दोनों ही कमाल के स्मार्टफोन होने वाले हैं, और कैमरा के अंदर जो फीचर्स आपको देखने को मिलने वाले हैं वो एक बहुत ही फ्लेक्सिबल स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिलते हैं, लेकिन ये मिड रेंज वाला स्मार्टफोन होने वाला है। तो गाइस चलिए देखते हैं क्या कुछ खास देखने को मिलने वाला है Redmi K30 Pro और Redmi K30 Pro Zoom के अंदर। तो गाइस जो न्यूज़ निकल कर आ रही है, मतलब कि Redmi K30 Pro के कैमरा के अंदर आपको डुअल ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। जी हां दोस्तों, डुअल ऑप्टिकल इमेज मतलब कि डुअल OIS का सपोर्ट देखने को मिलेगा। अब OIS होता क्या है तो मैं आपको बता दूं बहुत ही जल्दी से कि गाइस यहां पर जब भी आप अपने फोन के अंदर वीडियो रिकॉर्ड करते हो, वीडियो को रिकॉर्ड करते हो अपने फोन से, तो गाइस जिस भी फोन के अंदर OIS का सपोर्ट होता है, तो वीडियो अगर आपकी वीडियो सेकी हो रही है या फिर अगर आप दौड़ रहे हो, तो ऐसे में वो वीडियो को स्टेबलाइज करती है और काफी स्मूथ बना देती है। तो भाई यहां पर इस फोन के अंदर मतलब Redmi K30 Pro के अंदर आपको डुअल OIS का सपोर्ट मिलने वाला है, तो आप समझ सकते हो कि यार कितना स्मूथ वीडियो एक्सपीरियंस होने वाला है। लेकिन गाइस ये डुअल OIS का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है वो आपको Redmi K30 Pro के Zoom वाले एडिशन के अंदर देखने को मिलेगा। Redmi K30 Pro के अंदर आपको सिंगल OIS का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। तो ओवरऑल ये जो Zoom एडिशन होने वाला है वाकई में कमाल का होने वाला है, और अब तक जितनी स्पेसिफिकेशंस निकल कर आई हैं Redmi K30 Pro Zoom के बारे में वो कमाल की देखने को मिली है। लेकिन गाइस Redmi K30 Pro और Redmi K30 Pro Zoom के अंदर जो मेन डिफरेंस देखने को मिलने वाला है कैमरा के अंदर, कि Redmi K30 Pro Zoom के अंदर आपको बहुत ही कमाल का तबाही वाला टेलीफोटो लेंस देखने को मिल जाएगा, जो कि कमाल की इमेजेस निकालने वाला है और तगड़ा टेलीफोटो लेंस यहां पर देने वाले हैं लोग। लेकिन गाइस जो यहां पर Redmi का K30 Pro है, यहां पर आपको टेलीफोटो लेंस तो मिलेगा बट Redmi K30 Pro Zoom जैसा देखने को नहीं मिलेगा। आप यहां पर कुछ इमेज सैंपल्स देख सकते हो जो कि कुछ Xiaomi ने टीज किया और यहां पर दिखाया कि किस तरीके की आपको इमेज देखने को मिलेगी यहां पर इस स्मार्टफोन के अंदर। और अगर हम बात करें कैमरा गिमिक्स की, तो Redmi K30 Pro Redmi K30 Pro Zoom एडिशन दोनों ही फोन्स के अंदर आपको 64 मेगापिक्सल वाला सेंसर देखने को मिलेगा, जो कि Sony का IMX686 सेंसर होने वाला है। तो यहां पर कमाल की इमेजेस और वीडियोस निकालने वाला है। बाकी लेंसेज की बात करें तो टेलीफोटो लेंस, वाइड एंगल लेंस, मैक्रो लेंस, मतलब सारी लेंस आपको देखने को मिल जाएंगे, और ये कैमरा सर्कुलर शेप में आने वाला है। अगर हम बात करें सेल्फी कैमरे के बारे में, तो यहां पर आपको फ्रंट में पॉपअप सेल्फी कैमरा मैकेनिज्म देखने को मिलेगा, मतलब फुल व्यू डिस्प्ले देखने को मिलेगी जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर ही आपको बताया था। तो ऐसे में अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किया तो जल्दी कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस हो जाती है। साथ में अगर हम बात करें Redmi K30 Pro के अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग को लेकर, तो भाई यहां पर भी बड़ा न्यूज निकल कर आया है। यहां पर आप 8K तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। जी हां दोस्तों, हालांकि अगर हम बात करें कि 64 मेगापिक्सल वाले लेंस से ये लोग 8K वीडियो रिकॉर्डिंग करने की सोच रहे हैं, तो भाई यहां पर इंपॉसिबल है। लेकिन गाइस यहां पर 6K तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है 64 मेगापिक्सल वाला लेंस। तो यहां पर सॉफ्टवेयर का यूज करके, कुछ यहां पर सॉफ्टवेयर एल्गोरिथम को यूज करके ये लोग 8K तक यहां पर क्रॉप एंड जूम करके जो कुछ भी करके ये लोग बनाने वाले हैं वीडियोस को। और अगर हम बाकी कुछ और फीचर्स की बात करें Redmi K30 Pro के अंदर, तो भाई यहां पर आपको कमाल का गेमिंग स्मार्टफोन भी ये देखने को मिलने वाला है। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको कमाल का वेपर चैम्बर देखने को मिल जाएगा, जो कि अब तक का सबसे बड़ा वेपर चैम्बर है स्मार्टफोन के अंदर। और भाई पता नहीं कैसे इन लोगों ने इसमें इसे मैनेज किया है, क्योंकि गाइस यहां पर काफी ज्यादा बड़ा दिख रहा है। तो यहां पर आप देखने वाली बात होगी कि इसे किस तरीके से मैनेज किया गया है। साथ में दोस्तों, इस स्मार्टफोन के अंदर पॉपअप सेल्फी कैमरा देने के बाद भी यहां पर इतना बड़ा कूलिंग चैम्बर बनाना, मतलब वेपर चैम्बर बनाना बहुत ही बड़ी बात है। और इस लीक इमेज में आप देख सकते हो कि बहुत ही बड़ा कूलिंग चैम्बर देखने को मिलता है। अब इससे क्या होगा कि आप जब भी गेमिंग खेलोगे तो आपकी जो फोन है वो हीट्स बहुत कम होने वाली है, और कमाल का आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाला है प्रोसेसर को लेकर। और दोनों ही स्मार्टफोन Redmi K30 Pro Redmi K30 Pro Zoom Qualcomm Snapdragon 865 के बिल्कुल लेटेस्ट 5G चिपसेट के साथ आने वाले हैं। साथ में आपको LPDDR5 जैसी रैम टेक्नोलॉजी भी देखने को मिल जाएगी। बात करें इस स्मार्टफोन के लॉन्च डेट की, तो मैंने पहले ही वीडियो के अंदर सब कुछ बता दिया है कि भाई ये स्मार्टफोन 24th ऑफ मार्च को चाइना के अंदर लॉन्च होने वाला है कंफर्म। तो गाइस यहां पर इंडिया के अंदर April 1st या फिर April mid के अंदर कंफर्म देखने को मिल जाएगा। प्राइस की बात करें तो ये स्मार्टफोन, दोनों ही स्मार्टफोन की अगर हम प्राइस की बात करें, तो 30K से लेकर 35K तक यहां पर आपको देखने को मिल जाएगी। बिकॉज यहां पर आपको काफी तगड़ा प्रोसेसर, साथ में कमाल का कूलिंग चैम्बर, साथ में आपको बहुत ही अच्छा कैमरा सेंसर देखने को मिलने वाला है। जो कैमरा के अंदर ये लोग काम कर रहे हैं वो वाकई में कमाल के कर रहे हैं। तो बस यार, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक कर देना। ऐसे फ्यूचर में अपडेट्स हम लेकर आते रहेंगे इस स्मार्टफोन से रिलेटेड, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।